नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एमबी लाइव गार्डनिंग में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा इस गुलाब के पौधे का एक अपडेट मैं दिखाना चाहता हूं। तकरीबन 2 महीना पहले इस पौधे में डाईबैक की बीमारी जो फंगस से हुआ था वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि पौधे का हाल क्या हो गया था और अभी क्या हाल है। चलिए चलते हैं पीछे 60 डेज पहले। तो इसको डाईबैक होता क्या है ये देखिए, ये हालत क्या हो गया इसको। इसको ठीक से पत्ते भी नहीं आ पा रहा क्योंकि इसको अंदर से फंगस लग चुका है। ये ऊपर से मैंने इनको प्रून किया था तो ये देखिए ऐसे सूख रहा है। सूखते सूखते क्या होगा, धीरे 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 नीचे आ जाएगा पूरा, अंदर अंदर सूख जाएगा पूरा, सूख के ख़त्म हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है ये बीमारी, ये फंगस से ही शुरू होता है। जैसे कि मैंने गलती की थी, इसमें फंगीसाइड नहीं लगाया था, जो काटा था मैंने इसमें फंगीसाइड नहीं लगाया था। तो अभी मैं क्या करूँगा इसको, अभी मैं एक अच्छा सा चाकू लिया हूँ और इसमें अल्कोहल से अच्छे से साफ करके के फंगीसाइड ना लगे इसको साफ कर लेते हैं बढ़िया। और जहाँ से ये खराब हो गया इसको काटना है, काट के निकालना है, बिल्कुल फेंकना है। ये देखिए यहाँ से ठीक है, इसके ऊपर से ये खराब हो चुका है। ये तो जिंदा तो है पर ये सूख रहा धीरे धीरे। ये देखिए ये बिल्कुल खराब हो गया, फंगस लग चुका है। अभी इसको बिल्कुल कोई भी पेड़ पौधे नज़दीक में नहीं रखना, कांटेक्ट में नहीं फेंकना इसको, या तो दूर कहीं फेंक दो या तो इसको जला दो, आग लगा के जला के फेंक देना। सेम ये वाला टहनी को भी हमने बिल्कुल काट दिया, ये काट दिया, ये देखिए काट के मैं साफ फंगीसाइड यूज करता हूँ। ये फंगीसाइड बहुत अच्छा है, मैं तो इसी को यूज करता हूँ। ये मैंने निकाल लिया थोड़ा, अभी क्या करना इसको बढ़िया से इस पोर्शन को बिल्कुल ढक देना है कि सूख ना पाए, कोई बीमारी ना पकड़ पाए। और ये डाईबैक की बीमारी को जड़ से ख़त्म करे, अच्छी तरह लगा ले दवा के। ये हो गया, मैं यहाँ से भी एक टेनी पीस काट दिया था पहले। अभी क्या करना इसको जड़ों में भी, जड़ में ये फंगासाइड पाउडर जो है अच्छी तरह मिक्स कर दे इसको। इससे क्या होगा, अगर बाय द वे जड़ों में कुछ लगा होगा फंगस तो ये फंगस भी नहीं लग पाया, खत्म हो गया। देखिए इसमें जो है वो सिंडर मिक्स कर दिया मैं, वो भी है इसमें ये। अब इस पे तो ज्यादा हो गया, ये लगा दिया।
तो हल्के शावर से इसको पानी देना है, कि तेज देने से क्या है मिट्टी इधर उधर हो जाएगा और जड़े में प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये इसको अभी कम से कम 4-5 दिन शेडी एरिया में रखना है, जो छाए में के धूप ना लगे, डायरेक्ट सनलाइट ना लगे और उजाला भी मिले। और मिट्टी अगर इसका सॉइल मिट्टी अगर सूख जाता है थोड़ा बहुत तो 2 दिन के बाद, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से सड़ने का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब ये देखिए 60 दिन के बाद मैं बीच में इसको गमला चेंज किया था, वो गमला छोटा पड़ गया था तो मैं गमला थोड़ा चेंज किया था, उसका अपडेट वीडियो मेरा से डिलीट हो गया। ये देखिए कम कितना कलियाँ आया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अच्छे निकल रहा है, पत्ते भी कितना अच्छे और हेल्दी। मैं इसको क्या किया, हर 10 दिन में वही गोबर के खाद और वर्मी कंपोस्ट 2-2 चम्मच के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, और बोन मील जो हड्डी की चूड़ा वो मिक्स करके इसको ये सॉइल मीडिया में ऐसे डाल दिया। और इसका सॉइल मीडिया भी देखिए, जो राइस हस्क मिलाने से मिट्टी कितना अच्छा, इसका उंगली से ही हाथों से इसको निकल सकते, इसको देखिए ये हाथों से ही निकल जाएगा, इतना अच्छा है। और एक चीज़ मैं बताया था, जो पत्ते और इसका पंखड़ी जो है जल जाता है तो उसके लिए क्या करना है, इसको इस गर्मी में क्या करना, शावर देते रहना और सुबह का थोड़ा सा धूप, मैं 4-5 घंटा तो नहीं बोलूँगा, मैं नहीं करता 4-5 घंटा क्योंकि गर्मी बहुत है, तो मैं क्या करता हूँ कम से कम 2 घंटा सुबह का 9-9:30 बजे तक का धूप में रखता हूँ, बाकी मैं शेडी एरिया में रख देता हूँ और पानी का शावर देता रहता हूँ। ऐसे फूलों के अंदर नहीं देना, पगड़ी में हो सकता है फंगस लग जाए, और इसमें वही साफ फंगीसाइड हफ्ता 10 दिन में मैं 1 ग्राम 1 लीटर में मिला के इसको ऐसे शावर देता रहता हूँ कि पौधे को ठंडक मिलता रहे। ये देखिए ऐसे शावर इसको बढ़िया से नहला दे, बिल्कुल पत्ते में धूल मिट्टी जो भी है इसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी होता है इसे पानी डालने से, यही इसका केयर है, मैं तो यही करता हूँ। और देखिए कितना अच्छा बड्स और फूल आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को देखे लाइक करना ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।